ऐसा हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हम सीधे भगवान से मिलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, आइदर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि दोनों रखा हुआ है आपके लिए, बस जाके ले लेना है, ये गवर्नमेंट जॉब रहा ये प्राइवेट जॉब रहा। एनीवेज, तो ये अगर आप आज एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और मैं बोलूँ कि ये जो दो कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जब हम कॉलेज में रहते हैं या फिर पास आउट होने वाले हैं या पास आउट हो चुके हैं, तो इस समय में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्पेशली वो लोग जो बीटेक के या बीसीए के, एमसीए के, एमसीए, एमएससी, आईटी के या इस तरह के कोर्सेज के फाइनल ईयर में हैं, स्पेशली फाइनल ईयर हैं, थर्ड ईयर हैं या फाइनल ईयर कह सकते हैं, या पास आउट हो चुके हैं, एक आध साल उनको हो चुका है पास आउट हुए हुए और अभी भी वो मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना है, मतलब थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं और वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बॉस हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमको आईएएस बनना है या फिर हमको प्राइवेट जॉब में जॉब करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। इन सारी चीज़ों में मतलब आप जो सोच सकते हो उस तरह की चीज़ों को हम लेके आपके सामने आ रहे हैं और आपको समझ में आएगा कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं और ओवरऑल मतलब एक लॉन्गर रन में आपको बहुत हेल्प होगा इसको देख के अपना डिसीजन लेने में। अच्छा, अब जो हम इन चीजों में जो बात करने वाले हैं, ठीक है, तो ये ऐसे देखिए क्या होता है कि कोई एक आदमी किसी भी चीज के लिए, किसी को गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को प्राइवेट जॉब अच्छा लगता है या किसी को फ्रीलांसिंग अच्छा लगता है या मैं एक जो भी एक ऐसा है, तो मैं किसी भी चीज के लिए बायस्ड नहीं होना चाहता। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें काफी सारे लोगों से बात करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद फिर हम इस कंक्लूजन पे आए कि इस वीडियो को बनाना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे लोगों से मैंने बात किया, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट अच्छे जॉब प्रोफाइल्स पे जो लोग हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं जॉब, या फिर जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2 साल 3 साल। मतलब देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप बीटेक के फाइनल ईयर में हो या अपने डिग्री प्रोग्राम, जो भी डिग्री प्रोग्राम है उसके फाइनल ईयर में हो और जो थॉट, जो अंडरस्टैंडिंग आपको 2 साल 3 साल स्ट्रगल के बाद आएगा, उसको मैं आपको यहां पे आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप उसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आप अपना टाइम बचा सकते हो और एक मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। हम लोग जैसा बोलते हैं ना कि मतलब टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना, तो एक बार टाइम निकल गया तो फिर कुछ नहीं, उसको आप यू कैन नॉट रिकवर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये आपको आज अच्छे से समझना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इन दोनों ही फील्ड में, आइदर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें या फिर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, जैसा हम सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब एकदम लेबर वाला जॉब होगा, है ना, गवर्नमेंट जॉब बहुत ड्रीम जॉब होगा, आराम से सब कुछ एकदम वेल सेटल रहेगा। तो जैसा हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं ऐसा बिल्कुल रियलिटी में अब फिलहाल नहीं है, बहुत डिफरेंस है इन चीजों में, बहुत डिफरेंस है, है ना। तो इसलिए इस चीज को हम लोग आपके सामने ये आज रख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी अगर पाथ डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई पाथ डिसाइड करते हैं तो उसमें एक हमारा थिंकिंग होता है, किसकी थिंकिंग, हमारे सराउंडिंग की थिंकिंग, हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग, हमारी थिंकिंग, कि हम कौन सा पाथ चूज करें। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं और हमारा जॉब हो जाता है तो किसी भी प्रोफाइल के, मतलब एक कंपेरेबल प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं, तो किसी भी प्रोफाइल प्राइवेट जॉब वाले के कंपेयर में गवर्नमेंट जॉब वाले को ज्यादा वैल्यू मिलती है हम लोगों के नियर बाय एंड स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है।
तो ये चीजें बड़ा इंपैक्ट कर देता है आपके डिसीजन को, जब भी आप ये चीजें डिसाइड करने वाले हो कि हमको करना क्या है, प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट, इसमें काफी आपको ये इंपैक्ट करता है। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये चाहता हूं कि आपकी ये चीजें इंपैक्ट ना करें। अगर जस्ट हम लोग कुछ एक बेसिक एनालिसिस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भाई इंडिया में हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे लोग हर साल पास आउट होते हैं, हम उसके डेटा पे भी आएंगे कि कितने कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट कितने लोग पास आउट हो रहे हैं और क्या है, बट एक क्वेश्चन है अपने पास, ये बिग क्वेश्चन है कि यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, फिर भी क्या आपके रिलेटिव में, आपके जानने में, आपके फैमिली में, कहीं भी सराउंडिंग में देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और क्यों है? ये सब कुछ करने के बाद, इतना 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? कोई जुगाड़ है तो बता दो। अगर आप किसी आईटी कंपनी में हैं, कहीं कुछ हैं, तो आपको जनरली ऐसे कॉल्स आते होंगे, कोई जुगाड़ है, कोई सेटिंग है तो बता दो, मेरा जॉब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, है ना? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में उनको जॉब नहीं लगी है ना? और जॉब नहीं लगी है तो ऑब्वियसली जिसकी जॉब नहीं है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है, और उसको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हमने इतना पैसा खर्च किया, हमने पढ़ाई कर ली, फिर भी हम अनएजुकेटेड है, और वो भी कैसे लिया, बहुत मेहनत करके ये डिग्री और बाकी चीजें हमें मिली है, तो इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, है ना? अब जैसे एक बात समझना कि हम अगर 4 से 5 साल अपना करियर का, 4 to 5 years अपने कॉलेज में बिताया हमने, या 8 years हमने बिताया, कुछ कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि 4 साल बीटेक हो गया, फिर एमटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूं, हमने इतना कुछ किया, ठीक है? अब ये सब कुछ करने के बाद में अब हमें क्या मार्केट में बताया जाता है, जब हम अपना सब कुछ प्रिपेयर कर लिए, तो हमें बताया जाता है कि बेटा कम से कम आपको 2 से 5 साल प्रिपेयर करना है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर करना है किस चीज के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके लिए हमें, इस एग्जाम को देने के लिए हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक? तो एक बात समझो, जस्ट एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना जिसका कोई टाइम है, ना जिसका कोई सिस्टम है, कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं आएगा रिजल्ट, क्या होगा नहीं होगा, हमें इसके बारे में कोई भी प्रॉपर आइडिया नहीं है। ऐसा मानते हैं आप लोग? अगर मानते हैं तो कमेंट में भी आप लिख के बताइए कि आप क्या मानते हैं और आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। क्लियर है? अब फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जैसे इतना सारा मेहनत हमने क्यों किया, व्हाई वी डिड ऑल दिस एफर्ट। एफर्ट का मतलब मैं आपको यहां पे एक बार लिख के बताता हूं कि क्या एफर्ट हमने किया। पहला, अपना कॉलेज कॉलेज किया, जितना भी टाइम लगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? कॉलेज करने के बाद अब हम प्रिपेयर करने लगे। प्रिपेयर करने के लिए किस चीज के लिए? इसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर करना है तो आपको बहुत पहले ही डिसाइड कर लेना था बीटेक कंप्लीट करने का, या अपना ग्रेजुएशन, या अपना जो भी डिग्री प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसके कंप्लीट होने का वेट नहीं करना था, क्योंकि आज की डेट में किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, कुछ भी कहीं पे भी आप कर रहे हो, इतना प्रेशर नहीं है कि आप कुछ और पढ़ाई ना कर सको अपने कॉलेज के साथ में। तो हम इतना सारा टाइम लगा रहे हैं जो, किस चीज के लिए? अपना टाइम, करियर, सब कुछ रिस्क पे डाल रहे हैं। किसके लिए? एक जॉब के लिए, और उस जॉब का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपको मिलना ही है या नहीं मिलना है। इसका रेशियो आप अपने आसपास में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, करेक्ट? तो इस चीज के लिए हमको मतलब कोई वो नहीं है। और इसका प्रॉब्लम क्या हुआ इस चीज को करने का, कि आपने अपनी जो पढ़ाई किया 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, अलग अलग थिंकिंग के साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े आपने, यू डिड इट एवरीथिंग व्हाट एवर कुड बी पॉसिबल व्हाइल स्टडिंग और व्हाइल कंप्लीटिंग योर डिग्री प्रोग्राम,
सो आपका जो भी थॉट था वो सब कुछ रिस्क पे गया, पैसा आपका रिस्क पे गया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, है ना, उनका ड्रीम होता है कि भैया हमारा लड़का लड़की ये गवर्नमेंट जॉब ही करेगा, करना चाहिए, लेकिन वो ड्रीम आपको बीटेक स्टार्ट होने वाला है उसी समय बता देना था कि इसको गवर्नमेंट जॉब करना है, बाकी सब जॉब में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपको अपना थिंकिंग पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये बता देना था, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता है कि बीटेक या अपना कोर्स या अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के 8 साल तक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अनलेस जब हम बहुत ज्यादा चीजों के बारे में क्लियर नहीं है, हम बस ट्राई कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, अब जैसे मैं काफी लोगों से बात करता हूं जो प्रिपेयर कर, तो उनको लगता है सर इस साल नहीं हुआ अगला साल तो हो जाएगा, 2 नंबर से नहीं हुआ अगला साल 2 नंबर हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन हम उसको कभी भी इवैल्यूएट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कहां पे क्या आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, हम इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन क्या है, इन सारी चीजों का ऑप्शन क्या है, तो पहले तो हम ये बात करें कि एक जो हमारे मन में दिमाग में ड्रीम जॉब चल रहा है कि ये ड्रीम जॉब है कौन सा, हम जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स हैं, तो क्या ये रियली में ड्रीम जॉब है हमारे लिए या नहीं है, तो इसको हम कुछ कुछ डेटा के हिसाब से देख पाएंगे कि भैया ये जो जॉब की आप बात कर रहे हो जिसके लिए आप सब कुछ अपना करियर रिस्क पे लगना एक बहुत बड़ा बात होता है ना, तो ये ड्रीम जॉब है या फिर नहीं है, हमको पहले इस चीज को प्रॉपरली डिटेल में समझना होगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, है ना, बट प्लीज आप इसको समझिए देखिए, क्योंकि आपके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले करियर के लिए। अब ऐसा हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हम सीधे भगवान से मिल गए, सीधे हमें मोक्ष प्राप्ति हो गई, भगवान आके हमारे सामने सीधे एकदम खड़े हो गए, जो मांगना है बेटा मांग लो, है ना, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और हम स्पेशली जहां से हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में, हमारे यहां तो ऐसा ही है, एटलीस्ट सर्टेन स्टेट्स हैं जहां पे तो गवर्नमेंट जॉब है तभी कुछ है, नहीं तो नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि देखो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा होता है, सही में किसी ने कुछ किया होगा, अच्छा किया होगा तो उसको मिलता है, ठीक है, लेकिन हम उसके पाने के चाह में सब कुछ खो जाएं ये ठीक नहीं है, है ना। अब एक बात समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान से मिलन हो गया, दर्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद, ऐसा हमें क्यों लगता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकिंग है जो हम लोगों के दिमाग में रहता है। जैसे क्या है पहला पॉइंट, जैसे क्या है पहला पॉइंट कि भैया जिंदगी आसान होगी, लीव अ लाइफ ऑफ पीस, शांति होगी एकदम, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से हम नौकरी करेंगे, घर आएंगे, अपना काम खत्म। सोचने की बात है। अब जो लोग गवर्नमेंट में जो ज्वाइन कर रहे हैं, आइदर बैंक में, रेलवे में, या बाकी की चीजों में, कोई पीएसयूज में, तो आप उनसे ये चीजें पूछो कि क्या ऐसा है, क्या कोई टेंशन नहीं है, क्या इतना पैसा आपको मिलता है क्या कि जो कहीं और नहीं मिलता, क्या इतनी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है क्या कि कहीं और, क्या इतनी लर्निंग है क्या कि आपको वो कहीं और नहीं मिलता इसलिए हमको उसको करना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, करना है जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो करना है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन अलग है, फाइनल ईयर में या पास आउट होने के बाद ये टाइम नहीं है डिसाइड करने का अब आपको कि अब हमको ये तैयारी करना है, ये टाइम नहीं है, ठीक है। और जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं चीजों को लेके, जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं उस कंपटीशन को हैवी, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि क्या कॉम्पिटिशन है कैसे, तो उसके उसको करना चाहिए। बट जो रॉ आज एक रात में सपना आया, मुझे ड्रीम आया कि अब तो मैं डीएम बनूंगा, अब तो मैं ये बनूंगा, अब तो मैं पीओ बनूंगा बैंक में, ये ओवरनाइट जो ड्रीम है ये अल्टीमेटली आपको ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, है ना। तो पहला तो हो गया आपके पास शांति की जिंदगी, दूसरा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है जॉब के लिए, कोई काम ही नहीं है, है ना, लेस वर्क, जब मन करे तब जाओ, जब मन करे तब आओ, स्पेशली मोदी जी के आने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना, जब मन करे तब जाओ, जब मन करे तब आओ का नहीं है। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग भी अब टाइम पे जाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि काम है और मेहनत भी करना है, ठीक है,
बस अर्थ ये है कि लोग काम ही ना करें, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई चेक करने वाला ना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो ठीक है, राम भरोसे चल रहा है। लेकिन ऐसा सोच के हम चलें, ऐसा भी ठीक नहीं है। ठीक है, प्रेशर ही नहीं है कोई, है ना, गुड सैलरी पैकेज है। अब ये एक सब्जेक्ट मैटर है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, कि हम कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना पैसा हम अर्न करना चाहते हैं, क्या हमारे अंदर स्किल सेट है, हम कितना फ्लेक्सिबल हैं लर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा जो आपका पैकेज है, जितना हम पढ़ना चाहते हैं, जो गेन करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। कभी किसी को कम अभी मिलता है, बट वो कुछ चीजें सीख जाता है तो उसको लाइफ में आगे कुछ अच्छा मिलता है। तो ये चीजें हमें ऐसा लगता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कब, ड्यूरिंग जॉब, जॉब जब कर रहे होते हैं तो, एंड आफ्टर जॉब ऑल्सो, जॉब के बाद भी बहुत सारा पैसा मिलेगा आपको भैया। वो पीएफ वगैरह वो सबको मिलता है, प्राइवेट जॉब में भी पीएफ आपका कटता है। लेकिन क्या होता है, प्राइवेट जॉब में हम लोग बार बार लेते रहते हैं, गवर्नमेंट वाला क्या करता है, उसको छोड़े रहता है, है ना। तो उसको एंड में क्या होता है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, और हम प्राइवेट जॉब वाले क्या करते हैं कि इंजॉय करते रहते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये सब नौटंकी में पैसा हम अपना वेस्ट करते जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पैसा कम रहता है उसमें। और फिर सबसे ये पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो कि भैया सरकारी नौकरी रहेगी तो शादी बढ़िया होगा, है ना। ये चाहता तो मैं इसको इग्नोर कर सकता था, बट इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी, बहुत सारे लोगों के फैमिली के लोग ऐसे हैं कि सरकारी नौकरी होगी तो लड़के की शादी बढ़िया से हो जाएगी। प्राइवेट नौकरी में कोई किसी को आपको वैल्यू नहीं देता है, कोई बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करता है प्राइवेट नौकरी के केस में। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं एज वेल एज समझते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट्स हैं, इसके डिस्क्लेमर है ऑलरेडी, आप इसको पढ़ लेना। तो अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं आप सोच रहे हो। अब इन चीजों में उस तरह का कुछ रहा नहीं। ठीक है, चलिए ना, तो एक डेटा वाइज हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने ये एक जो फैक्ट्री है हमारा, जो कॉलेजेस है, ठीक है, इन कॉलेजेस से बाहर जो लोग आ रहे हैं वही तो उसमें अपीयर हो रहे हैं आज की डेट में। तो उसको थोड़ा सा हम एक स्टैटिकली देखते हैं कि कितना कॉम्पिटिशन है, और हमें कॉम्पिटिशन को मतलब क्या चांसेस बनते हैं हमारे उसमें सिलेक्शन के। और ऑब्वियसली लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सेलेक्ट भी हो रहा है, बट मेजॉरिटी ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उसमें, वो क्या करेंगे। तो अब यहां पे देखते हैं, जैसे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, हमारे ऑलमोस्ट अगर हम एक प्रोफेशनल कोर्सेस या इंजीनियरिंग कोर्सेस की बात करें, आज की डेट में सभी इंजीनियरिंग ही करते हैं, तो 6000 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अपने पास में पूरे इंडिया में। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 6000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कैन यू इमेजिन। और उसमें एवरी ईयर 15 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, एवरी ईयर 15 लाख, 15 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर पास आउट होते हैं। अब इस 15 लाख में से ऐसा आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि 30% तो हमारा कम से कम इस रेस में तो आते होंगे गवर्नमेंट जॉब वाले प्रिपरेशन में, और इस 15 लाख का 30% और इस 30% का हम मान के चलते हैं कि चलो 10% इसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो ये रेशियो आप निकाल सकते हो कि 10% कितना हुआ, और ये एक साल की मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअली है नहीं ये 10%, आप ऐसे कह लो 3-4% है मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो, जितने भी लोग अपीयर हो रहे हैं उसमें से 3-4% का सिलेक्शन रेशियो है। और उसमें कितनी इरेगुलरिटीज हैं ये आप ऑलरेडी मतलब उस इरेगुलरिटीज को आप झेल रहे हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप जा रहे हो उसमें, तो इन सारी चीजों को भी एक बार ध्यान रखना, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पढ़ाई भी शुरू कर सकते हो अगर प्रिपेयर करने के लिए बात कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात इसमें एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम जस्ट 5 ईयर्स का एक टाइम लें, तो ऐसे सपोज करो कि 100 स्टूडेंट्स एक साल में अपीयर हुए, इन 100 में से मान लो हमने 2-3 का सिलेक्शन हुआ, रिमेनिंग 98 स्टूडेंट, अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये छोड़ दे रहे हैं अपना प्रिपरेशन या कुछ ऐसा कर दें, ये अगली साल फिर से अपीयर होने आ रहे हैं,
तो अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पीछे जो पीछे वाले लोग हैं वो भी आते जा रहे हैं उस रेस में, ठीक है। और वो रेस में सिंस आते जा रहे हैं, तो आप खुद से इवेल्युएट करो कि इस क्राउड के अंदर आपके चांसेस कितने हैं सिलेक्शन होने के, और आप कितना एफर्ट दे रहे हो, उस एफर्ट के अकॉर्डिंग आपके क्या चांसेस बनते हैं, और आपका जो स्ट्रगल है उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, और वो स्ट्रगल कितना काम का होगा, या हो रहा है या होने वाला है, ये सब कुछ भी आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने पूरा जो एक स्टैटिकली चीजों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसमें हम एक और बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब पहले, आज से जो हम लोगों के पेरेंट्स लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, या और भी लोग हैं जो, मतलब इस जनरेशन से पहले वाले जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वो लोग करते थे, क्या वही गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में है? उतना ही, वही सारी फैसिलिटीज हैं, वही सारा चार्म है, एज इन कंपेयर टू अदर ऑप्शंस भी। हम हमेशा जब भी किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं तो उसके पैरेलल ऑप्शंस को भी कंपेयर करते हैं, कि ठीक है, हमने 30 इयर्स गवर्नमेंट जॉब को किया, हमने 30 इयर्स प्राइवेट जॉब को किया, सेम स्किल सेट के साथ, सेम प्रिपरेशन के साथ, सेम डिग्री के साथ, तो हमें प्राइवेट जॉब के अंदर क्या सीखने को मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, और एज वेल एज वही जर्नी एक गवर्नमेंट जॉब वाले का, वो गवर्नमेंट जॉब वाला नो डाउट सब्जेक्ट है, और मतलब ये दोनों मैटर करेगा कि हम किस किस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, क्या उनका अर्निंग रेशियो एंड ऑल नंबर ऑफ थिंग्स है, मैं उन सारी चीजों में, बट इन जनरल आप बात करो कि क्या है वो, ठीक है। तो क्या आप बात करके देखो कि क्या पहले वाली चीजें हैं अभी, इज इट दैट द जो हम लोग पीछे बात करते थे, क्या वही सारी चीजें आज के भी डेट में हैं, क्या वही फैसिलिटीज हैं, या उतना ही इसमें इन लोग इंजॉय कर रहे हैं जब उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया था, और आज जो इनका चल रहा है, अभी जो करंट प्रोसेसेस हैं, क्या सेम है? तो ये भी एक पॉइंट है समझने का। ये हम सबके आसपास में, घर में, रिलेटिव्स में कहीं कहीं लोग जरूर होंगे, सबके जानने में कोई ना कोई होगा, उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। प्लस हमें प्राइवेट वालों के साथ भी बात करना है कि क्या है। अच्छा, अब एक चीज जो एक डाउट इन जनरल होता है कि नहीं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग चीजों में हमको अब निकाला नहीं जा रहा है, स्पेशली मैं पीएसयू की बात करूं, तो अब वहां पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस नहीं सही है तो वहां से भी चीजों को निकाला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। वहां पे भी आपके जो पॉक्स हैं वो बेसिस डिसाइड करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है। ऐसे बहुत सारी जगहों पे भी अब चीजें ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गई हैं। आई एम नॉट नेमिंग आउट। अब दूसरी चीज की, एक जो गवर्नमेंट जॉब में होता था कि हाँ हम कुछ इधर उधर से कहीं से अर्न कर लें, अब धीरे धीरे ये सब चीजें बंद हो रही हैं, ना पॉसिबल नहीं है, और उसी के बेसिस पे आप अपने लाइफ को नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो जितना आपको, ठीक है, तो आप उसमें, आप उसको नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि हर जगह डिजिटलाइजेशन है, बाकी चीजें हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो आपके ऊपर लगी रहती हैं। तो वो आप गलती से भी मत सोचना कि आप उन चीजों के लिए, अनडेटेबल चीजों के लिए आप ऐसा कुछ सोच सकते हो, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं, जैसे ये देखो पहली चीज कि भाई देखो, ये सारा जो हमने बात किया, हमने क्या क्या बात किया आपसे, हमने बात किया कि हम गवर्नमेंट जॉब में अगर जा रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके मेथडोलॉजी, मतलब एक थॉट प्रोसेस क्या है लोगों का, किस वजह से वो गवर्नमेंट जॉब को करना चाहते हैं, क्या क्या। लेकिन एक बात समझो, अब आज का जो टाइम है, इस समय जो है ना, वो सब टाइम गया कि नहीं, अगर नौकरी है तो सरकारी नौकरी है, नहीं तो नहीं है, अब वो सीन नहीं रहा। और ये बात आपको मुझे समझाने की जरूरत, मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मत प्रिपेयर करो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रिपेयर करो, बट सोच समझ के प्रिपेयर करो। वो प्रिपरेशन आप अपनी बीटेक में शुरू कर लो, सो दैट बीटेक कंप्लीट हो, 1-8 साल के अंदर आपकी कहीं अच्छी जॉब हो जाए, है ना। ऐसा मत करो कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद, या आपके मतलब जो भी ग्रेजुएशन वगैरह जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको कंप्लीट होने के 1 साल बाद आपको डिसाइड करो, 2 साल बाद डिसाइड करो कि हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना, और इन हैंड पता चले कुछ भी ना मिले। तो वो प्रिपरेशन आपकी बीटेक में होनी चाहिए, वो आप प्रिपरेशन आपके ग्रेजुएशन चलते समय होनी चाहिए, वो पढ़ाई उस समय होनी चाहिए, ना कि जब आप कंप्लीट कर लो तब होनी चाहिए। तो वो टाइम गया कि अब सरकारी नौकरी है तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो आप इन चीजों से आई थिंक बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी बात कि
मतलब आज का जो कंट्री है, आज हम लोगों का जो देश है ना, इस जगह में हम उस पहले वाले स्टोरी से लेके और आज हम खुद से ये फिगर आउट कर सकते हैं उन चीजों को, एक जो पुराना सोच है उसी चीज को लेके जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों को सोच के हम ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर इस समय हमारी जो पढ़ाई है उसकी वैल्यू कहाँ पे हो रही है, और हम अपने आप को कहाँ ग्रो कर सकते हैं, हम क्या चीजें कर सकते हैं, ये आपके पास सोचने का टाइम है। अपने चीजों को आप इंस्टेंट मत सोचिए, 2 दिन के अंदर, 2 साल के, 3 साल के अंदर मत, कीप इट 10 ईयर्स ऑफ टाइम। आप 10 साल का एक अपने लिए आप टाइम ड्यूरेशन दो कि इस 10 साल के अंदर आप कहाँ पहुंचोगे। अगर इस 10 साल और आप अपने पे नहीं सोच सकते हो तो अपने आसपास में 2 लोग जो सेम करियर स्टार्ट किए होंगे, सेम पढ़ाई किए होंगे, एक प्राइवेट में गया, एक गवर्नमेंट में गया, है ना, उन दोनों लोगों को कंपेयर करो। मैं डेफिनेटली बात कर रहा हूँ, कुछ लोग पढ़ लिख के भी नॉन प्रोफाइल, मतलब उनके प्रोफाइल का जॉब नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर, दोनों एक सेम टाइप का प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, अगर हैं तो उनको कंपेयर करके देखो कि लाइफस्टाइल उनकी क्या है, अर्निंग कैपेबिलिटीज क्या है और नंबर ऑफ चीजें क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए सो दैट हम 10 साल बाद कहां रहेंगे, हमारा हमारा क्या लर्निंग होगा इन चीजों के अंदर। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो एक तो हो गया गवर्नमेंट जॉब। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि हम अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, व्हाट वी कैन गेट, अगर हम प्राइवेट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम आईटी जॉब्स के लिए ट्राई करने जा रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अगेन इन द प्राइवेट जॉब और आईटी जॉब। तो देखो एक बात समझो, ऑप्शन 1 था आपका गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद, ऑप्शन 2 है कि हम बीटेक में रहते अपनी पढ़ाई करते समय नए नए स्किल्स को सीखें, अपनी प्रिपरेशन करें सो दैट हम जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलें हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए। और आज की डेट में इस समय 2021 में जितना आसान है जॉब मिलना कॉलेज से निकलने के बाद, उतना आसान शायद इससे पहले कभी नहीं रहा। जो फैसिलिटीज आज आपको मिल रही हैं वो शायद इससे पहले कभी नहीं था, और स्पेशली इन आईटी जॉब्स। आप ऐसे थोड़ा इमेजिन करो कि जब कोरोना फर्स्ट वेव था या फिर सेकेंड वेव था उस समय लोगों की क्या स्थिति थी, सिर्फ और सिर्फ एक जॉब था, आईटी जॉब था जो सर्वाइव करा। मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आईटी जॉब का काम भी चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे, और मतलब वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस नहीं हुआ। मेंटल बैलेंस खोना रहना वो एक अलग का सब्जेक्ट है, बट वो चीज ही उनके पास था और आईटी वाले ही सर्वाइव कर पाए, है ना। तो ये चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या सेफ्टी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योर्ड है नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को खुद करें और अपने आप पे विश्वास रखें। अगर हम ये चीजें करते हैं, समझते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, तो वी कुड डू समथिंग रियली बेटर। और आई होप कि आप भी मेरे साथ इन चीजों में एग्री होंगे कि हाँ ये चीजें। अब जैसे थोड़ा सा हम लोग और इसको अगर एक्सप्लोर करें, हम जब एक बार जब अपने दिमाग से ये इल्यूजनरी गवर्नमेंट जॉब की दुनिया निकाल देते हैं, या फिर हम उसको एक नॉर्मल जॉब की ही तरह ट्रीट करते हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमारे पास ये ऑप्शन है, अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमें रियल वर्ल्ड भी दिखाई देता है। अदर देन दैट हमारे आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमें क्या कर रहा है कि हम बेटर उसमें कुछ और कर सकते हैं, हमें उसको भी ट्राई करना चाहिए, है कि नहीं। अब जैसे हम से फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, तो आईटी सेक्टर के लिए अगर हमारा जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब है आपके लिए, बशर्ते आपको खोजने की जरूरत है, कुछ ना कुछ जॉब है। आप चाहे कोई बैकग्राउंड से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, देयर इज सम वर्क फॉर यू इन आईटी सेक्टर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके लिए जॉब है, बशर्ते आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सी जॉब है जो हम कर सकते हैं अपने इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो
उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें हम जरूर आपका हेल्प कर सकते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या आप काम कर सकते हो। और अगर आप अपना अपने आप को ये मान रहे हो कि नहीं, हम उस कंपटीशन में नहीं जाना चाहते हैं, हम अपना एक उस तरह का स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, हम एक स्मूथ जॉब चाहते हैं, और आप जब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हम ले लेंगे, तब तो ठीक है, आप जाओ उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाओ। बट जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ऑल ऑफ सडन आपने सोचा कि मैं आज प्रिपरेशन करूंगा कल हो जाएगा, तो देखो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और आपको बेटर अपना टाइम बचाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम एक बात कर रहे हैं, जैसे कि जो भी एमएनसीज हैं, ठीक है, तो एमएनसीज में जो जॉब है, मतलब किसी भी बड़ी कंपनी में जो एमएनसी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इसमें जो जॉब का आप मतलब आप लार्जर देन लाइफ का इमेज है, क्या फैसिलिटी नहीं है आज की डेट में, किस तरह का पैसा नहीं है आपको, है ना। आप ये देखो ग्रोथ कितना, सैलरी ग्रोथ कितना है, आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी स्विच करते हो, 30-30% 40-40% का हाइक मिलता है, है ना, डेफिनेटली काम रहता है, बट हम काम कहां करने से कहां हम लोग पीछे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और रिलायबल भी है, ऐसा नहीं है कि रिलायबल नहीं है, ठीक है, बशर्ते हम उस स्किल सेट के साथ अपने आप को रेडी रखें। अनलेस हम रेडी नहीं रखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, इसकी रिलायबिलिटी एक चीज से और हम डिसाइड कर सकते हैं, वो क्या है कि हमारा जो टोटल इंडिया का सॉफ्टवेयर आईटी का मार्केट है वो कितने का है, आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, $200 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 15 लाख करोड़ का ये टोटल मार्केट है, जिसमें आपके जीडीपी का, हमारे इंडिया के जीडीपी का 8% टोटल कितना है, 8% है बाय कंबाइनिंग ऑल दैट, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, और इसमें 50 लाख जॉब्स हैं, 50 लाख जॉब हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, बशर्ते हमें कॉन्स्टेंट माइंड के साथ और एक अननेसेसरी ईगो या अननेसेसरी थिंकिंग, अननेसेसरी पेरेंट्स के थॉट कि हमारा बेटा गवर्नमेंट में जाए, ये जाए, वो जाए, उन चीजों को रैदर देन इन चीजों के, हमको अपनी कैपेबिलिटीज, अपने मेहनत और हमारा क्या स्कोप है, कैसे है, हम उस पर समझ के सोच के देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है, हमें उसके सेट ऑफ प्रिपरेशन करने होंगे, लेकिन प्रिपरेशन करने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ओपनिंग्स नहीं मिल रही है, आपको इंटरव्यू देने के चांसेस नहीं मिल रहे हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है, सबके लिए ऑप्शन है, सभी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम 3-4 साल प्रिपरेशन किए और कहीं फाइनली हमारा जॉब नहीं हुआ गवर्नमेंट में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब नहीं हुआ, तो उसके बाद अब हमें पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, हमें एक अर्निंग का सोर्स है हमारे, और ठीक ठाक अर्निंग का सोर्स है, जिससे आप कुछ सेव कर सकते हैं, अपने फैमिली का टेक केयर कर सकते हैं, अपना टेक केयर कर सकते हैं, और आप लर्न कर सकते हैं कुछ जो कि अगला आने वाले जॉब में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जैसे एक बात करते हैं कि आईटी के अंदर एवरेज पैकेज क्या है भाई, क्या है एवरेज पैकेज, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या एवरेज पैकेज का वो करते हैं, व्हाट इज द एवरेज पैकेज, इनिशियली एक फ्रेशर भी आज की डेट में स्टार्ट कर रहा है तो उसको कम से कम 3 लाख पर एनम, 3-8 लाख पर एनम का जॉब मिलता है, इतना तो है कम से कम, अलग अलग कंपनीज इवन 8 तक फ्रेशर्स को भी मिल रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जैसे सपोज करो बीटेक में भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन रैदर देन कुछ भी पढ़ने के हम उनके रिक्वायरमेंट्स को समझें, क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है फ्रेशर लेवल पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको अपने कॉलेज के टाइम में जब हम कॉलेज से बाहर निकले अपने 8th semester, 6th semester जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो उसका, उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर, तो उस सेमेस्टर से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को हम रेडी करके रखें उन चीजों पे, तब जाके अब इसी में आपको जॉब करते हुए एक बेसिक सा एक्सपीरियंस हो गया तो ये नॉट लेस देन 10 लाख 30 लाख का पैकेज है आपका, है ना, 30 लाख 10 लाख में एक रेंज दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबका यही है या सबका इससे ज्यादा है या कम है, कुछ कुछ का ज्यादा भी होगा, कुछ कुछ का कम भी होगा, तो डिपेंड करता है, बट है ये पैकेज इस तरह का, ये ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि जो आपको मिल नहीं सकता,
Whereas हम अगर जो पीछे वाली बात करेंगे, अगर आप डायनेमिक हो, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, तो इसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट में प्रमोशन या बाकी की चीजें या पैकेज या इस तरह से नहीं मिलता है। जो उनका प्रोसेस है उसी प्रोसेस के साथ चलते हैं। तो ये सब चीजें भी हैं आपको सोचने के लिए, समझने के लिए कि आपके अंदर खुद के अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, आप कितना मेहनत कर रहे हो और क्या कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको आराम से 15-30% का हाइक इजिली आपको अपने सेक्टर के अंदर मिल सकता है। और इसमें जैसा कि सबके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया आपको चला रही हैं अपने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। और अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको कहीं से जाके भी जॉब करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर आज की डेट में। और अभी हमको ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम तक ऐसा चलेगा कि आप अपने लोकल होम टाउन में रह के अपने घर में रह के, नो नीड टू ट्रैवल दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद एंड ऑल, आप वहां से जॉब कर सकते हो, खूब सारे पैसे कमा सकते हो और खूब सारा सेविंग भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो ये चीजें हैं कि अब आपको ये समझने की चीजें हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं और बहुत सारी चीजों में जॉब अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि हमें नई चीजें सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, पढ़ने का भी इच्छा होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हमें पढ़ना भी पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह का हम अगर लॉजिकल माइंड या बाकी चीजें और करते हैं तो फिर आपका ग्रोथ बहुत अच्छा। अब अगर मैं आपसे बात करूं, आप हमको क्या समझ रहे हो नहीं पता, आप अपना हमें टीचर, मेंटर, एल्डर ब्रदर, फ्रेंड, जो भी आप समझो, है ना। दो चीजें हैं आपके पास जीने के लिए। एक कि हम एक चीज के लिए जो शायद हो या ना हो, हम उसी के पीछे भागते रहें और वो चीज हमें ना मिले, फिर हम निराश हों अपने लाइफ में, फ्रस्ट्रेटेड हों, डिप्रेस्ड हों। कंपेयर टू उसके हम एक लाइफ का नया अल्टरनेट चुने, नई चीजों में जाएं, नए जमाने के जॉब्स पे हम जाएं, है ना, पढ़ाई करें, मेहनत करें और हम अपने आप को एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर काफी अच्छा बनाएं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आपके फर्दर कोई क्वेश्चन है जो शायद मैं इन सारी चीजों में नहीं डिस्कस किया, नहीं एड्रेस किया, तो आप अपना कमेंट बॉक्स, मेल या जो भी ऑप्शंस हैं, आप हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर शायद हम लोग कुछ और चीजों पे, और जो आपको लगे कि नहीं सर इस पे भी वीडियो बनाइए, इस तरह के प्रॉब्लम्स पे भी वीडियो बनाइए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सो दैट हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के वीडियोस को आपके लिए बनाया जा सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया और लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया है इन सारी चीजों को बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सम ऑफ योर फ्रेंड्स और यू माइट रियली नीड दिस। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।